फिजिकल रिलेशन जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दोनों का होता है, एंजॉय भी दोनों करते हैं, दोनों की ही रजामंदी होती है, दोनों ही अपने अपने तरीके से परफॉर्म करते हैं, एक्ट करते हैं, बट रही बात परफॉर्मेंस की तो वो हमेशा लड़कों पे ही फोकस किया जाता है। और ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, मर्द, नामर्द, मर्दानगी, ये सारी चीज़ें लड़कों के फिजिकल रिलेशन के साथ ही जोड़े जाते हैं। तो प्रेशर ना हमेशा से ही लड़कों पे ही होता है, तो इसीलिए लड़कों की साइज और स्टैमिना पे हमेशा से ही फोकस होता है। अगर मैं साइज की बात करूँ, वो जेनेटिकल होता है, इसे आप बढ़ा नहीं सकते, इसे नेचुरली उस लेवल पे इंक्रीज नहीं किया जा सकता। एज, सर्टेन एज तक ये बढ़ता रहता है और उसके बाद इसकी बढ़ोतरी रुक जाती है। बट यस, आप इसकी इनलार्जमेंट को दूसरे तरीके से ठीक कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो या फिर थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो। ये कुछ पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो क्या, चलिए वीडियो में आगे सुन लेते हैं। अगर मैं लड़कों की साइज की बात करूं कि कितना होना चाहिए, तो एज पर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर लड़कों के प्राइवेट पार्ट की साइज 3 इंच या उससे ज्यादा हो तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। बट इस साइज को हम नापे कब? इस साइज को हमें तभी नापना चाहिए या फिर ये तभी आइडियल होता है जब लड़कों के बॉडीज में फीलिंग्स आए और प्राइवेट पार्ट में अच्छे से ब्लड फ्लो हो। जब ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से होता है, जब ब्लड फ्लो 100% होता है, तो नेचुरली जो ओरिजिनल और प्रॉपर साइज है वही दिखती है। पर अच्छे से ब्लड फ्लो होने के बाद भी अगर साइज 3 इंच से कम हो तो वो नॉर्मल नहीं है। लड़कों के प्राइवेट पार्ट की साइज जो है वो बढ़ती रहती है प्यूबर्टी एज से। जब प्यूबर्टी एज आती है, बॉडी में हार्मोनल जो चेंजेस होता है वो जब तेजी से होता है, तो उसी हार्मोन्स की वजह से लड़कों के प्राइवेट पार्ट जो है वो तेजी से बढ़ने लगते हैं और अप्रोक्सली 20-25 तक ये इंक्रीज होता है। ये डिपेंड करता है कि लड़कों के बॉडी में वो हार्मोन्स कैसे काम कर रहा है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी कैसे ग्रो कर रही है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि डॉक्टर्स का मानना है कि हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज प्राइवेट पार्ट को इंक्रीज करने में काफ़ी मदद करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही हेल्पफुल है, बट सारी चीज़ें जेनेटिकल होती है, बट ये भी हेल्प करता है। अच्छी साइज और प्रॉपर साइज के लिए ब्लड फ्लो बहुत इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उस पर हमेशा फोकस करना ज़रूरी है। जो हेल्थ है, जो लड़कों की सेक्सुअल हेल्थ है, वो अक्सर इसी वजह से क्रिएट होता है, प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होता है। क्योंकि अच्छे से तनाव अगर ना आए तो डेफिनेटली साइज जो है वो छोटा दिखता है। लोग जैसे साइज और परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं, फोकस करते हैं, साइज को तो आप इंक्रीज कभी नहीं कर सकते क्योंकि ये जेनेटिकल होता है और इसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता। बट यस, आप परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हो, आप अपने सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो है इंस्टेंट वेदा का ट्रिवाग्रा। ये 100% हर्बल प्रोडक्ट है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जितने सारे हर्ब्स डाले गए हैं वो नेचुरल हैं, लाइक शिलाजीत, लाइक सफ़ेद मूसली, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, केसर हैं, जो कि लड़कों के सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैटर हमेशा परफॉर्मेंस करता है, साइज नहीं। आप अगर अपने परफॉर्मेंस को बेटर करते हो तो ऑटोमेटिक आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो सेटिस्फाइड हो जाती है। इसमें जितनी सारे हर्ब्स हैं वो बहुत फेमस है लड़कों के प्राइवेट पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से जो तनाव है वो बहुत अच्छे से होता है, ब्लड फ्लो काफ़ी अच्छी होती है। ये जो कॉम्बिनेशन है वो लड़कों में लिबिडो उसको इंक्रीज करने में काफ़ी मददगार है। सबसे बढ़िया जो बात है इस कॉम्बिनेशन की, जो सबसे बड़ी खासियत है, वो है लड़कों के बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको तेज़ी से इंक्रीज करता है कि वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से फील कर सके। ये आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है, ग्लूटेन फ्री है, और सबसे बढ़िया बात कि ये शुगर फ्री है, तो डायबिटीज पेशेंट वाले इसको आसानी से ले सकते हैं। बट यस, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए कि कैसे लेना है और क्या चीज़ें, तो आप एक अच्छे से बढ़िया जो डाइटिशियन है उनसे कंसल्ट कर सकते हो, फिर इसके बारे में आप डिटेल्स में बात कर सकते हो। इस प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अदरवाइज आप जो फ़ोन नंबर है जो स्क्रीन पे दिए गए हैं उस पे नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम फीमेल्स के लिए साइज़ कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो अगले वीडियो में मैं उसके बारे में डिटेल्स में बात करूंगी कि एक फीमेल पार्टनर के लिए साइज़ कितना इंपॉर्टेंट होता है। तब तक के लिए
लिए अलविदा दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी आपके लिए एक नए वीडियो को लेके। और अब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और हमेशा कोशिश कीजिए स्ट्रेस फ्री रहने की। टेक केयर, बाय बाय।